बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में एक बार फिर से तेज बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश हुई। रात में हुई बारिश से चेंबूर इलाके में जलभराव हो गया। इसके साथ ही बांद्रा और कुर्ला में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। लगातार महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रात भर बरसात के बाद मुंबई की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। चेंबूर इलाके का ये मंजर आप देखिए किस तरीके से इलाके में जलभराव हो गया है और आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आज फिर मुसीबत भरी बारिश मुंबई में देखने को मिल सकती है, लेकिन देर रात हुई बारिश ने चेंबूर इलाके का क्या हाल कर दिया, किस तरीके से जलमग्न यहां पर सड़कें हो गई है उसकी तस्वीरें आपके सामने। तीन अलग अलग तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की। चेंबूर में जलभराव हो गया, बांद्रा में भी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया और कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की तीन तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है और सड़कों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज भी मुंबई में कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल में भी भारी बारिश की आशंका है। तूफान के साथ बिजली भी गिर सकती है। बड़ी जानकारी मिल रही है एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से, उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया है। नैनीताल में भी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तूफान के साथ बिजली भी गिर सकती है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।